अज की इस वीडियो तुसी ध्यान दे नाल सुनना ते देखना क्योंकि अज की यह वीडियो दे विच असी तुहानू सूरज की असली आवाज सुनावांगे ते उसकी असली वीडियो दिखावांगे। सूरज साडी धरती तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद एक तारा है। जेकर यह तारा जाने कि यह सूरज ना हुंदा तां साडी धरती दे उपर जीवन भी नहीं होना सी। सूरज नूं जदों असी धरती तो देखदे आं तां यह सानूं छोटा जिहा ते बिल्कुल शांत दिखाई दिंदा है, पर जिहड़ा सच है वह इस तों बिल्कुल उल्ट है। सूरज इन्ना ज्यादा वड्डा है कि इस दे विच धरती वर्गे 13 लख ग्रह समा सकते नहीं। सूरज के पिछों हमेशा ही करोड़ों परमाणु बंब ते हाइड्रोजन बंबा जिनी एनर्जी निकलती रहती है। यह सारी एनर्जी या कही ऊर्जा सूरज की कोर के अंदर मौजूद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण बनती है। इस दे कारण ही सूरज की कोर का तापमान करोड़ों डिग्री सैलसीयस तक चलिया जाता है। यह तो कुछ भी नहीं, सूरज के आले दुआले बहुत ही ज्यादा संघणियां जलदिया हुई गैसा का वातावरण मौजूद है जिस दे विच हमेशा तूफान आए रहते हैं। इन तूफाना की रफ्तार से इन्हों के जिहड़े पार्टीकल होंगे ने उन्होंने इन्नी ज्यादा ऊर्जा होंगी है कि जेकर गलती दे नाल भी कोई ग्रह इस दे आले दुआले भी चलिया गया तां ओह मिंटां सकिंटां दे विच ही जल के सुआह हो जाएगा। इस दी आधारण दे लई तुसी सूरज दे कोल मौजूद मरकरी अते वीनस ग्रह नूं देख सकते हो। इन्हां दोनों ग्रहां दा तापमान 400 डिग्री सैलसीयस तो भी कितने ज्यादा है। इन्ना ही नहीं, मंगल ग्रह दे जिहड़े अज दे हालात ने ओह सूरज दे सारे इन्हां तूफानां दे कारण ही होए ने। इस दा कारण यह है कि मंगल ग्रह दे कोल धरती दी तरह अपना कोई मैगनैटिक फील्ड मौजूद नहीं है जिहड़ा उस नूं सूरज दे इन्हां खतरनाक तूफानां तों बचा सके। पर इत्थे सच यह भी है कि धरती के कोल चाहे अपना मैगनैटिक फील्ड मौजूद है पर सूरज तो आने वाले यह खतरनाक तूफान कई बार धरती के उपर भी तबाही मचा चुके हैं। 1990 अजिहा हो चुकया है जो सूरज विचों निकल वाले एक सूरजी तूफान की टक्कर धरती दे नाल हुई सी। यह सूरजी तूफान ने धरती से मौजूद सारे इलैक्ट्रॉनिक सैटेलाइट्स नूं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया सी ते यह तूफान ने अरबां डालरां का नुकसान कर दिता सी। पूरी दुनिया का जिहड़ा कम्युनिकेशन एक दूजे दे नाल जुड़िया होया सी वह भी बहुत हद तक इसने प्रभावित किया। उस समय दे विच तां इंसान इन्नी ज्यादा टैक्नोलॉजी की वरतों भी नहीं करते सन, पर अज के समय तो हर एक बच्चे बच्चे के कोल मोबाइल फोन मौजूद है। अजकल हर एक काम इंटरनेट की मदद के नाल हो रहा है ते अज इस धरती के ऑर्बिट के विच भी हजारां सैटेलाइट घूम रहे ने। इसलिए जेकर अज कोई सूरजी तूफान धरती के नाल टकरा जाए तो यह धरती के उत्ते एक बहुत वड्डी तबाही मचा सकता है। यह धरती से मौजूद हर एक इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस या कई हर एक इंटरनेट तो चलने वाली चीज को बंद कर सकता है। इस करके विज्ञानक पिछले लंबे समय तो सूरज तो उठन वाले तूफाना के उपर नजर रखे हुए ने ताकि इन्हों समझ के वह फ्यूचर के बच सकन। 12 अगस्त 2018 नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नाम का एक सैटेलाइट सूरज वल भेजा। इस सैटेलाइट का काम से सूरज के नेड़े जाके उस तो उठन वाले तूफाना के उपर सर्च करनी। इस स्पेसक्राफ्ट दे विच काफी ज्यादा कैमरे और एडवांस सिस्टम नूं लगाया गया है। जिवें जिवें यह सूरज के कोल नूं जा रहा है सानू सूरज बारे कई नवीं नवीं जानकारियां मिल रही ने। यह सैटेलाइट ने सूरजी तूफाना भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिता है। अज की इस वीडियो के मैं तुहानूं सूरज के उपर चलण वाले तूफाना दीआं 6 ऑडियो सुनाऊंगा जिसनों सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया है। नाल ही अज्ज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं कुछ वीडियो अते फोटोआं भी दिखाऊंगा जिहड़ियां अज तक दीआं सब तों सूरज तों नेड़े दीआं खिच्चीआं गईआं फोटोआं ने जिहड़ियां इस सोलर प्रोब ने अपने कैमरिआं दे नाल लईआं ने। हुण असीं तुहानूं सुणाउंदे हां जी सूरज दी असली आवाज़ किहो जी है, सो ध्यान दे नाल इह आडियो नूं सुणना। जिहड़ी तुसी वीडियो देख रहे हो यह भी सूरज की सोलर प्रॉब वालों रिकॉर्ड की गई असली वीडियो है। इस वीडियो के विच सूरज वालों निकल वाले पार्टीकल नूं बहुत तेजी नाल अगे नूं वधदे देख सकते हो। तुसी इस आडियो के विच जिहड़ी आवाज उत्ते थले नूं हुंदी देख रहे हो, विज्ञानिकां दा मनना है कि यह आवाज गैसा के बदलाव के कारण उत्ते थले हो रही है। हुण तुहानूं सुणाउंदे हां जी सूरज की होर दूजी आवाज, यह सूरज के होर नेड़े जाके रिकॉर्ड की गई है। यह आवाज काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह की अते डरावनी है। हुण तुसीं सुणो जी सूरज की तीजी आवाज। यह कितने कितने काफ़ी ज़्यादा शांत है, कितने काफ़ी ज़्यादा तेजी के अगे नूं वधदी है। हुण आपां चलदे हां जी सूरज की आवाज की चौथी रिकॉर्डिंग वल। ये जिहड़ी तुसी आवाज सुनी है यह सूरज के विचों निकलने वाले तूफाना के विचों पैदा हो रही है ते यह आवाज सूरज के काफ़ी नेड़े जाके सुनती है। हुण आपां सुनते हाँ जी सूरज की पंजवीं आवाज।
ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੌਥੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਆਖਰੀ 6ਵੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਟੀਰੋਡ ਜਾਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਟੀਰੋਡ ਜਾਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ 70,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਬ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਬ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸੂਰਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰੌਚਕ ਤੱਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।